हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, रोज की तरह आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको तिजोरी के विषय में कुछ खास बातें बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार धन आभूषण को सदैव एक नियत स्थान पर तिजोरी या अलमारी आदि में रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि तिजोरी धन स्थान पर कुछ शुभ वस्तु रखें तो माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। इस बात का भी ध्यान रहे कि तिजोरी में ऐसा कुछ भी न रखा जाए जिससे धन के आगमन में बाधा उत्पन्न हो। तो आइए आज हम आपको तिजोरी में क्या रखें और क्या नहीं रखना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। तिजोरी में लाल रंग का कपड़ा बिछाना शुभ रहता है। तिजोरी में रोज सुबह शाम धूप अगरबत्ती अवश्य दिखानी चाहिए। तिजोरी में शुभ यंत्र जैसे श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, बीसा यंत्र या हत्था जोड़ी की लाल कपड़े अथवा चांदी की प्लेट में स्थापना करने से शुभता बनी रहती है। इन्हें रोज धूप अगरबत्ती अवश्य ही दिखाते रहें। तिजोरी में 5 कोड़ियाँ, 5 कमलगट्टे तथा 5 साबुत हल्दी की गांठें भी अवश्य रखनी चाहिए। कुछ नोटों में चंदन का इत्र लगाकर उन्हें अपनी तिजोरी में रखें। इससे तिजोरी में बरकत बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मोर पंख लेकर उसमें अच्छा गुलाब का इत्र लगाएं। उसके बाद इस मोर पंख को साफ सफ़ेद रेशमी वस्त्र में बांधकर या लपेटकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से तिजोरी कभी भी खाली नहीं होती है। एक मोती शंख को तिलक करके लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे घर में धन की बरकत बनी रहेगी। अपनी तिजोरी पर स्वास्तिक का चिन्ह भी अवश्य ही अंकित करवाएं, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और उनकी कृपा से घर कारोबार में धन की कभी भी कमी नहीं रहती। तिजोरी के अंदर के दरवाजे पर शीशा जरूर लगाएं, जिससे तिजोरी खोलते समय अंदर के धन का प्रतिबिंब भी नजर आता रहे। इससे उसमें वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये हमने आपको आपकी तिजोरी के विषय में कुछ खास बातें बताई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।